हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो क्लास 12 के लिए, बीकॉम के लिए और भी कई सारे एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग इसे एक नए तरीके से करेंगे ताकि आप इसे कभी भी ना भूल पाए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे, तो इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो वर्किंग नोट्स में आते हैं, एडजस्टमेंट होती हैं। तो वहां पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो मशीनरी एक असेट होती है, असेट इंक्रीज होने पर डेबिट होती है, डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। और असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, जिसे हम लोग बीडी और सीडी के नाम से लिखते हैं। इसके अलावा मशीनरी अकाउंट में हम लोग सेल को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सेल कैसे रिकॉर्ड की जाती है, तो देखते हैं। ये क्या है? ये है स्कूल, ठीक है। यह है स्कूल, कौन सा स्कूल? यह है दिल्ली का पब्लिक स्कूल, बड़ा अच्छा स्कूल है, बड़ी अच्छी एजुकेशन देते हैं। तो इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आपको मशीनरी सेल करनी पड़ेगी। अब अच्छी एजुकेशन लेनी है तो मशीनरी सेल करनी पड़ेगी। और हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम लोग हमारे दिल्ली के पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट में क्या कर रहे हैं? तो देखिए, क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूल को मैं DPS नहीं बोल सकता? DPS, तो ये DPS हमारी हेल्प करेगा सेल को रिकॉर्ड करने पर। तो DPS, ठीक है। तो ये DPS कहाँ आएगा और ये है क्या? D से डेप्रिसिएशन, क्रेडिट साइड आएगा। P से प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होने पर डेबिट साइड। S से सेल प्राइस होता है उस मशीनरी का जिसे हमने सेल किया, और किस नाम से लिखेंगे? बैंक नाम से लिखेंगे। इसके अलावा मशीनरी इंक्रीज कैसे होती है? जब हम मशीनरी को परचेज करते हैं, परचेज होने पर डेबिट किया जाएगा, किस नाम से? बैंक नाम से। और मशीनरी कम होने का एक और सबसे बड़ा रीजन है डेप्रिसिएशन, तो किस साइड आएगा बताइए? बिल्कुल ठीक, क्रेडिट साइड, क्योंकि मशीनरी कम हुई है। तो ये इतना सिंपल है मशीनरी अकाउंट। बस आपको ध्यान रखना है मशीनरी सेल होने पर क्या आएगा, DPS आएगा। अगर मशीनरी अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो या एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन हो, तो क्या इस अकाउंट में कोई चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्या चेंज होगा? फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी एक लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट साइड लिखते हैं, डिक्रीज होने पर डेबिट साइड लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या ध्यान रखना है? तो चलिए, हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़े, क्यों पढ़े? ताकि अच्छी जॉब हो, अच्छी रेपुटेशन हो, और पूरी जिंदगी भर हम लोग क्या करें? PP के एस करेंगे। जैसे यहां देखिए क्या हो रहा है, पारी हो रही है, पारी। तो PP के हम लोग भी ऐसे ही पारी करेंगे, एस करेंगे। और ये जो लोग बड़े स्माइल देके पीने के बारे में सोच रहे हैं, इनके लिए इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पी के एस करने की बात कर रहा हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक PP के हम लोग एस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये PP के एस हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो DPS के बदले आ जाएगा PPS, DPS के बदले आ जाएगा PPS। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो D को रिप्लेस कर दिया P ने, तो डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाए, तो ये D भी हट गया। D के बदले क्या आएगा? PPS का P। तो सिर्फ DPS में यही चेंज होता है, P, और P से होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें बताता है जो मशीनरी सेल की उसका टोटल डेप, कलेक्शन ऑफ डेप,
जो मशीनरी सेल की उसकी पूरी लाइफ का डेप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और क्या चेंज होगा? नहीं, और कोई चेंज नहीं होगा। लॉस होने पर क्रेडिट ही करेंगे, प्रॉफिट होने पर डेबिट ही करेंगे, और जो सेल प्राइस है वो क्रेडिट साइड ही आएगा। इसके अलावा ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी आएगा। तो ले चलते हैं, क्या मशीनरी अकाउंट में कभी मशीनरी आता है? बिल्कुल नहीं आता। फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर? बिल्कुल नहीं आता। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है? तो यहां ध्यान रखना है, अमाउंट वही आएगा लेकिन नाम उस अकाउंट का आएगा जिस अकाउंट से ये वैल्यू ट्रांसफर हुई है। कौन से अकाउंट से? मशीनरी अकाउंट। तो यहां आएगा मशीनरी अकाउंट। इसके अलावा ये जो डेप्रिसिएशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये डेप्रिसिएशन भी मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसी को तो कलेक्ट करने के लिए हमने एक नया अकाउंट बनाया है। तो चलिए इसे कलेक्ट करते हैं। ये करंट ईयर का डेप है, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आएगा। तो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें इतनी सी ही वैल्यूज आती है। अच्छा, अब ये कैश फ्लो में हमारी हेल्प कैसे करेगा? तो देखिए, इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज कैश फ्लो में जाएगी? तो ये परचेज जो हम लोगों ने लिखा कैश फ्लो में ट्रीट होता है, प्रॉफिट कैश फ्लो में जाता है, लॉस कैश फ्लो में जाता है, बैंक कैश फ्लो में जाता है, और ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये भी कैश फ्लो में जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को मालूम चल गया होगा कितना इम्पोर्टेंट है मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इतनी सारी वैल्यूज कैश फ्लो में जाती है। तो यहां तक हमारा था मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी एक लाइबिलिटी है। इसमें क्या होगा? क्रेडिट साइड बीडी होगा, डेबिट साइड सीडी होगा। इसके अलावा इसमें दो वैल्यूज और आती हैं। कौन सी दो वैल्यूज आती हैं? पीएम। अब कुछ लोगों के दिमाग में पीएम सुनते ही इनका ख्याल आ रहा होगा, बिल्कुल मत लाना। और कुछ लोग इनके बारे में भी सोच रहे होंगे, और बहुत सारे लोग तो इनके बारे में सोच रहे हैं, आखिरकार हमारे पीएम ही तो हैं। तो यहाँ पे पीएम हमारे पीएम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पीएम का मतलब है पेड और मेड। क्या है? पेड मेड। तो डेबिट साइड जो पी है वो हमें बताता है कि टैक्स का कितना अमाउंट हम लोगों ने पे किया, और क्रेडिट साइड जो एम है वो हमें बताता है कि हमने कितना मेड किया। तो ये इसी नाम से आएगा, पेड या मेड। मेड को कई बार हम लोग प्रोवाइडेड के नाम से भी क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अगर पीएम ना हो, चलो तो हम लोग अपने पीएमजी को भी अभी भेज देते हैं। तो अगर पीएमजी चले गए, पीएम ना हो, तो क्या होगा? तो यहां के लोग, ये देखिए, यहां के लोग कहाँ चले जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा बीडी है वो पेड बन जाएगा, जो सीडी है वो मिड बन जाएगा। गंगाधर ही शक्तिमान है, पता है ना आपको। तो यहाँ पे भी क्या होगा? सीडी मेड बन जाएगा, बीडी पेड बन जाएगा, गंगाधर शक्तिमान बन जाएगा। तो साथियों, मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना, ये गंगाधर ही शक्तिमान है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम लोग कैश फ्लो करेंगे तो वहां पे मेरे इन्हीं वर्ड्स से आपको याद आएगा, ठीक है। तो ये इतना सा था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। अब हम लोग आ जाते हैं डिबेंचर में। तो डिबेंचर की एडजस्टमेंट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ये चटपटी गोलियां आप लोगों ने खाई होगी बचपन में। तो इसमें है क्या? देखिए,
अगर मैं इसे घुमा दूं तो भी जो इसमें फेस बना हुआ है वो सीधा ही है। चलो फिर से घुमा देता हूं तो भी वही फेस है। हम लोगों ने बचपन में बहुत खाई गुरु चेला। चलो सांप नहीं दिखा, चलो फिर से देख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इसे घुमा दूं फिर भी फेस सीधा है, यहां से घुमा दूं तो भी एक फेस सीधा है। फिर से देखिए है, तो ये क्या है? यह है उल्टा पुल्टा, है ना? क्या है? उल्टा पुल्टा। तो ये उल्टा पुल्टा कहां से आ गया सर अकाउंट में? ये उल्टा पुल्टा अकाउंट में नहीं आया, ये हमें बताएगा डिबेंचर के बारे में। ये है डिबेंचर। अब कुछ लोग फोन को उल्टा पुल्टा कर रहे होंगे, फोन को उल्टा पुल्टा नहीं करना, इसे हटा दीजिए। तो डिबेंचर इश्यू हो या रिडीम हो, कब हो? अगर 1 अप्रैल 2020 को हो, मतलब ओपनिंग में हो, अगर ईयर के बिगनिंग में हो तो इंटरेस्ट लगाया जाएगा क्लोजिंग में 31 मार्च 2021 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। ऐसे ही अगर इश्यू या रिडीम हो 31 मार्च 2021 को तो इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे ओपनिंग वैल्यूज पर। हो गया उल्टा पुल्टा। इश्यू या रिडीम कब? ओपनिंग पे, तो इंटरेस्ट लगाओ क्लोजिंग पे। इश्यू या रिडीम क्लोजिंग पे, तो इंटरेस्ट लगाओ ओपनिंग पे। यही तो उल्टा पुल्टा है। लेकिन सर अगर इश्यू या रिडीम ईयर के बीच में कभी हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल हो सकता है, तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहला काम, इंटरेस्ट लगाएंगे डिबेंचर की ओपनिंग वैल्यू पर। अगर इश्यू हुआ है तो उस इश्यू वैल्यू पर इंटरेस्ट लगा दो, रिडीम हुआ है तो उस रिडीम वाली वैल्यू पे इंटरेस्ट लगा दो। इश्यू का मतलब है डिबेंचर की वैल्यू बढ़ गई, तो जितनी वैल्यू बढ़ी उस पे इंटरेस्ट लगा दो, और जितनी वैल्यू कम हुई जितना रिडीम हुआ उस पे इंटरेस्ट लगा दो। तो इश्यू वाला इंटरेस्ट ऐड कर दो, ठीक है? ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। इशू पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे और कितने टाइम का, और हम लोग लेस करेंगे अगर हमने रिडीम किया है तो, जितनी वैल्यू रिडीम हुई है उसका इंटरेस्ट, ठीक है? अब ये टाइम के ऊपर मैंने बड़ा सा स्टार लगाया हुआ है, बड़ा नहीं है छोटा है, चलो छोटा सा स्टार लगाया हुआ है। तो ये हमें टाइम के बारे में बताएगा, क्या है टाइम? अगर डिबेंचर इश्यू हुए हैं तो ध्यान देना जिस डेट को इश्यू हुए हैं वहां से लेकर क्लोजिंग तक। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग हमारे पास है 31 मार्च। क्या है? 31 मार्च। मैं यहां लिख लेता हूं 31 मार्च 21 तक। तो जिस भी डे को इशू हुए हैं वहां से यहां तक इतने टाइम का इंटरेस्ट लगाना है, और रिडीम होने पर 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ रिडेम्पशन तक का इंटरेस्ट लगाना है। सेम हम लोग लोन में भी देखेंगे और सेम हम लोग इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। तो आप जब एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इतनी ही एडजस्टमेंट मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश फ्लो फॉर्मेट को देखेंगे, वो भी ऐसे ही मज़ेदार तरीके से। उससे पहले हम लोग एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने मशीनरी अकाउंट में पढ़ा इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, और सेल होने पर क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड? डीपीएस। अगर प्रोविजन फॉर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना है तो हम लोग उस डीपीएस को बदल देंगे पीपीएस में। पीपीएस मतलब पीपी के एस करना। और क्या पीना है? कोल्ड ड्रिंक पीना है, नींबू पानी पीना है, चाय भी पी सकते हो लेकिन पीपी के एस करेंगे। तो डीपीएस चेंज हो जाएगा पीपीएस में। प्रोविजन में चार वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी? बीडी, सीडी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रोविजन फॉर
टैक्स अकाउंट जहां बीडीसीडी के अलावा हमारी हेल्प करते हैं पीएम, पीड और मेड। अगर पीएम ना हो तो गंगाधर ही शक्तिमान होगा, मतलब बीडी और सीडी की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी पीएम में। और अभी हम लोगों ने पढ़ा उल्टा पुल्टा डिबेंचर, मतलब ओपनिंग में अगर डिबेंचर इश्यू या रिडीम हुआ है तो इंटरेस्ट क्लोजिंग पे लगा दीजिए, अगर इश्यू या रिडीम क्लोजिंग पे हुआ है तो इंटरेस्ट ओपनिंग पे लगा दीजिए, और अगर बीच में कभी भी इश्यू या रिडीम हुआ है तो वो आपके सामने है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे ऐसे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो जल्द ही जल्द ला कर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।